अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? मेरा इंतज़ार कर रहे थे? ये तो बहुत ही अच्छा करते हैं, लेकिन मेरे इंतज़ार करने से पहले कुछ पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, वेरी गुड। जो हम एक दिन पहले पढ़ते हैं ना, उसको आप रिवाइज किया करें, ताकि आपको पता चले कि अब हम जो दूसरा काम करेंगे वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने पहला वाला काम जो है वो अच्छे से समझ लिया था, उसे रिवाइज भी कर लिया था। ठीक है, पहले उसे रिवाइज कर लिया करें, देख लिया करें एक दफ़ा, और उसके बाद जो है फिर मेरे पास आ जाया करें, और फिर हम जो है मिलकर नया काम करेंगे, है ना? चले जी, आज हम फिर नया काम करते हैं। कल हमने क्या किया था? ट की पहचान की थी हमने, ट की जो है वो स्टोरी पढ़ी थी हमने, ट की जो है वो राइम पढ़ी थी, और राइम कितने मज़े की थी ना, क्या थी उसकी राइम, उसकी नज़म ज़रा मुझे सुनाइएगा, क्या थी? ट से टमाटर खा लो आज, छोटी तोय है इसका ताज। कैसे बनाया था? ट्रेस करके। चले, कैसे कर रहे थे हम लोगों ने? इसी तरह से फिंगर्स खोल दी थी, दो फिंगर बंद की थी, इसमें हमने अंगूठा रखा था अपना थंब, और ये हमारी टू फिंगर्स आ गई थी। और फिर हमने कैसे पढ़ा था जी? ट से टमाटर खा लो आज, छोटी तोय है इसका ताज। जी, यानी कि आपको राइम याद हो गई, हमने कल का थोड़ा सा सबक जो है रिवाइज कर लिया है ना। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, आज हम नया काम करेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर खोलेंगे 14, पेज मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करते हैं पेज पे जी? आइकन्स देखते हैं, 1, 2, 3, तीन आइकन्स मौजूद हैं। कौन से आइकन्स हैं ज़रा देखते हैं इसे। पहला आइकन है हमारा जिसमें लिखा हुआ है मिलाइए, यानी कि ब की आधी शक्ल है, एक लाइन जा रही है जो कि बिल्ली से मिल रही है, यानी कि हमने इस पेज पे मिलाना है जी। ये आइकन हमसे कह रहा है मिलाइए मिलाइए। सेकंड है हमारा, आधी शक्ल ब की बनी हुई है, पेंसिल लगी हुई है, इसका मतलब क्या है कि हमने पेंसिल फेरनी है। तो ये आइकन हमसे कह रहा है कि पेंसिल फेरिए पेंसिल फेरिए जी, हम पेंसिल फेरेंगे। और दूसरा आइकन है हमारा, ये बिल्ली साहिबा बैठी हुई है, बिल्ली साहिबा के ऊपर कलर पेंसिल रखी है, तो ये बिल्ली साहिबा क्या कहती है हमसे? रंग भरिए जी, यानी कि हमने पहले मिलाना है, उसके बाद पेंसिल फेरनी है, उसके बाद रंग भरना है, और इन सब चीज़ों से पहले हमने तारीख लिखनी है जी। तारीख लिखेंगे, उसके बाद अब हम इस सफ़े पे देखेंगे कि हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, उनकी हमने शुरू की आवाज़ पहचाननी है, और हमने किससे मिलाना है उसे? कौन से साहब है हमारे जी? ट ट ट हमने इन सारी तस्वीरों को पहले पढ़ना है, इन तस्वीरों की पहचान करेंगे और इनसे मिलाएंगे। ठीक है, चले जी, पहली हमारी तस्वीर है जीप। जीप जीप, क्या जीप की शुरू की आवाज़ ट है? क्या जीप की शुरू की आवाज़ ट है? ट जीप नहीं, ट जीप नहीं है, यानी कि हम जीप को ट से नहीं मिलाएंगे। वेरी गुड। दूसरी तस्वीर है हमारी टोपी। टोपी टोपी, टोपी की शुरू की आवाज़ ट है? ट टोपी ट टोपी ट टोपी जी, यानी कि हम ट को टोपी से मिला देंगे, क्योंकि टोपी की शुरू की आवाज़ ट है। वेरी गुड। अब हम देखेंगे ये क्या है, खरगोश। कितना प्यारा सा है ये खरगोश। खरगोश की शुरू की आवाज़ क्या है? ट खरगोश ट खरगोश ट खरगोश नहीं जी, खरगोश की शुरू की आवाज़ ट नहीं है, यानी कि हम खरगोश को ट से नहीं मिलाएंगे। ये कौन खड़ी हुई है छोटी सी? ये है ट्यूटी। ट्यूटी ट्यूटी ट ट्यूटी ट ट्यूटी ट ट्यूटी, ट्यूटी की शुरू की आवाज़ ट है, ट ट्यूटी, तो हम ट्यूटी को ट से मिला देंगे। वेरी गुड, शाबाश, समझ में आ रहा है आपके।
ये क्या रखी हुई है भाई? टोकरी, 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 ट टोकरी, ट टोकरी, ट टोकरी, यानी कि टोकरी की शुरू की आवाज क्या है? ट, तो हम टोकरी को ट से मिला देंगे, है ना? वेरी गुड। और अब ये क्या रखे हुए हैं? टमाटर, टमाटर, ट टमाटर, ट टमाटर, यानी कि टमाटर की शुरू की आवाज है ट, ट टमाटर, हम टमाटर को ट से मिला देंगे, है ना? हम क्या करेंगे, हमने जिन चीज़ों को ट से मिलाया है उन पे हम कलर करेंगे, रंग भरेंगे अच्छे से, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इनको इनकी शुरू की आवाज़ से पहचान के इनको मिलाएंगे, इनको कलर करेंगे, और ये जो ट साहब हैं इन पे हमने पेंसिल भी फेरनी है, और पेंसिल फेरते हुए इनकी नज़म ज़रूर पढ़नी है, ठीक है? भूलिएगा नहीं। इसके बाद आप इस पिक्चर, इस जो काम करेंगे आप, उस सफ़े की पिक्चर जो है वो अपनी टीचर को भेज दीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि हमने किस तरह से इन सब चीज़ों की शुरू की आवाज़ पहचान के ट से मिलाया है, ठीक है? जब आप वो कॉल करेंगी आप उनको अच्छे से बताइएगा, उनको पिक्चर भेजिएगा, इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे और कल नया काम करेंगे, ठीक है? थैंक यू।